गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ आई एम अरुण सिंह। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 10 इन मैक्रोइकोनॉमिक्स क्लास 12, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट होता क्या? गवर्नमेंट हमें पता है कि जैसे गवर्नमेंट है, बजट भी हमने बहुत सुना है, लेकिन गवर्नमेंट बजट क्या है कि एक एस्टिमेट है। किस चीज़ का एस्टिमेट है? एक्सपेक्टेड हम बोल सकते हैं। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ कमिंग फाइनेंशियल ईयर। जो भी कमिंग फाइनेंशियल ईयर होगा उसकी एक स्टेटमेंट होगी। स्टेटमेंट भी कौन सी होगी? एस्टिमेटिव, और वी कैन से एक्सपेक्टिव मीन्स एक्चुअल नहीं होगी, एस्टिमेटेड होगी, या वी कैन से एक्सपेक्टेड मीन्स थोड़ा ऊपर नीचे उसमें से हो सकता है। इतना गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा और इतना जो है उसका एक्सपेंडिचर होगा। तो ये जो टॉपिक है या ये जो वर्ड है गवर्नमेंट बजट है, तो बजट से ये पता चलेगा कि कितना गवर्नमेंट के पास कमिंग फाइनेंशियल ईयर में पैसा आएगा और कितना खर्च होगा और किन किन सोर्सेज से आएगा और किन किन सोर्सेज में खर्च होगा। अब बजट जो प्रेजेंट करता कौन करता? रूल प्रेजेंट वर्ल्ड। तो इसमें बजट प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट पेश करता है। अब वो पूरे का पूरा बताता है उसमें कि प्रीवियस का क्या है और कमिंग का क्या है। जितने भी उन्होंने प्रीवियस ईयर में अचीवमेंट्स किए उनके बारे में डिस्कशन होगा कि हमने प्रीवियस ईयर में ये सारी चीज़ें किया, यहाँ इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, ये सारा डिस्कस होगा कि इतने हमने अचीवमेंट्स जो है वो कर लिए। और नेक्स्ट ईयर के लिए आएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, कि ये हमारा जो बजट है इन इन सोर्सेज से पैसा आएगा और इन सोर्सेज के लिए पैसा जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट। अब इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं इसको और क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट को बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। बजटरी पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं और फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं। बजटरी पॉलिसी एंड ऑल्सो नोन एज फिस्कल पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट। क्योंकि इसमें सारी की सारी पॉलिसी जो है वो डिसाइड होती हैं कि किन किन सोर्सेज से पैसा आएगा और किन किन सोर्सेज से आएगा, सारा का सारा डिस्कशन जो है वो इसके अकॉर्डिंग होता है। तो जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कितनी भी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट पास्ट ईयर की और कमिंग ईयर की, सारा का सारा डिस्कशन पार्लियामेंट में बजट के ऊपर जो है वो। तो इसको क्या हम कहते हैं? एक वर्ड जो आता है उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट। इसको कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो इसको प्रेजेंट करेगा। अब इसको अगर हम पूरे की पूरी डिफाइन करते हैं तो डिफाइन कैसे होगा? गवर्नमेंट बजट को डिफाइन कैसे करेंगे? गवर्नमेंट बजट ऑफर्स टू अ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और वी कैन से रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट क्यों बनाते हैं, क्या वजह है कि क्या क्या किन किन चीज क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो ऑब्जेक्टिव जो है पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसके ऑब्जेक्टिव है, वैसे जो गवर्नमेंट बजट है मेन चीज दो को लेकर चलता है, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, जो भी बजट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट के, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट पहले क्या होगा? जीडीपी ग्रोथ। फर्स्ट वन इज जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ में जो
इकोनॉमी मूव करेगी तो तभी जो है हमारा हम डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की पोजीशन में पहुंच पाएंगे। अब जीडीपी हमने लास्ट चैप्टर्स में भी डिस्कस किया कि जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसके अगर डिफाइन इसको हम कर देते हैं तो द फाइनल वैल्यू ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज जीडीपी। तो जीडीपी में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है इन अ अकाउंटिंग ईयर में उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ही कंट्री को कंट्री जो है वो ग्रोथ करेगी, इकॉनमी जो है वो ग्रोथ करेगी। तो जो मेन एंड फॉरमोस्ट है, मेन ऑब्जेक्टिव है उसका बजट का, वो क्या है कि जीडीपी का ग्रोथ होना। अब ये जीडीपी ग्रोथ करेगा कैसे, एक तो है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ठीक है। तो सबसे पहले इसमें है कि मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इसको पब्लिक से आना चाहिए पहले, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और दूसरा इसका क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में जितना भी गवर्नमेंट का उसमें लग रहा है इन्वेस्टमेंट उसमें होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इसको डिफर करता है कि इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। अगर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया था चैप्टर्स में, अगर सेविंग ज्यादा हो जाएगी तो इकॉनमी जो है पीछे चली जाती है। और जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और कैपेसिटी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट होगा, ये सारी चीज़ें फिर उसके साथ साथ बिलोंग करती हैं। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो फर्दर डिमांड बढ़ेगी तो फिर से भी प्रोडक्शन होगा। तो ये सारा का सारा जो है ये इसमें आ जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी किस किस का होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए, पब्लिक का भी और प्राइवेट का भी। तो इसमें बजट इस तरीके से होना चाहिए जो कि इन दोनों को साथ लेके चल रहे, जिससे कि इन दोनों का इन्वेस्टमेंट हो, जिससे कि जीडीपी की ग्रोथ जो है वो बढ़े। अब जीडीपी की ग्रोथ तभी बढ़ेगी अगर इन्वेस्टमेंट होगा, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा उतनी ही ग्रोथ भी बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर दो तरीके से होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है और एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंज्यूमर गुड्स के लिए होता है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटल गुड्स के लिए होता है। जो कैपिटल गुड्स जो होते हैं उससे फर्दर प्रोडक्शन होता है, तो वो इस वजह से फर्दर प्रोडक्शन के लिए वो यूज किए जाते हैं। इस वजह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट या हम कह सकते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जीडीपी की ग्रोथ के लिए। तो पहला हमारा ये है। दूसरा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन का क्या मीनिंग है, एलोकेट करना में रिसोर्सेज को आवंटित करना में इस तरीके से उनको यूटिलाइज करना जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। इसका जो मेन एम है वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी होना चाहिए और प्लस सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए, दोनों चीजें इसमें आएंगी। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किस हिसाब से होना चाहिए, रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करना चाहिए, किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो और सोशल वेलफेयर भी हो, तो दोनों चीजें इसमें आनी चाहिए। तो इस वजह से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि दोनों का बैलेंस बना रहे और सोशल वेलफेयर के साथ साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो। तो ये भी क्या मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का, कि गवर्नमेंट बजट इस तरीके से पेश किया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है जिससे कि जीडीपी ग्रोथ भी हो और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी इस तरीके से यूटिलाइज हो जिससे कि बैलेंस बिटवीन बना रहा गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं, अब होता कैसे है, जैसे मान लो कोई भी चीज़ रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, जो इंजीनियर्स को हेल्थ है उस पर हाई लेवल टैक्स लगाया जाता है और जैसे खादी वगैरह है
ये इसको प्रमोट करने के लिए इसमें सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना चाहिए जिससे कि जो इंजूरियस टू हेल्थ है या जो हानिकारक है समाज के लिए या हमारे पूरी इकॉनमी के लिए, उस पर लेबल करके हाई टेक उसको रोका जाए और जो चीज़ें यूजफुल हैं उसको प्रमोट किया जाए किसके थ्रू, टू द सब्सिडी। तीसरा, प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड्स। प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड्स, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स का मीनिंग क्या है कि जितने भी पब्लिक गुड्स हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं जिसको कलेक्टिवली यूज हो रहा है, कलेक्टिवली जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह हो गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं जो कि हमारे कलेक्टिवली यूज हो रहे हैं, रोड्स हो रहे हैं, ठीक है। तो पब्लिक गुड्स जितने भी हैं उस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, उस तरीके से उनको लगाया जाए जिससे कि उनका फंड जो है फंड उसमें लगा रहे हैं उनका प्रॉपर यूज हो और वो सबके लिए काम भी आए, कलेक्टिव नीड जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का प्रोविजन भी होना चाहिए जो कि पुअर पीपल्स हैं या जिनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं है, जो नहीं खरीद सकते ऐसी चीज़ें, तो उनका लेकिन प्रॉपर यूज सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रीट लाइट हो गए मान लो, तो स्ट्रीट लाइट भी क्या है पब्लिक गुड्स में आ जाता है, ठीक है। इस टाइप से जैसे वाटर हो गया मान लो, हैंडपम्प्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो जो अपने पर्सनल या इंडिविजुअल उसको नहीं अफोर्ड कर सकता है तो वो उनके थ्रू जो है वो यूज करके अपना जो है प्रॉपर काम चला सकता है। तो उसको उसमें भी ये बजट का जो है हिस्सा होना चाहिए जिससे कि ये भी एक ऑब्जेक्ट है इस चीज़ का, गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्ट रहता है कि पब्लिक गुड्स का यूटिलाइजेशन जो है प्रॉपर होना चाहिए और कलेक्टिवली नीड को फुलफिल करना ही मेन जो है एम है बजट का, गवर्नमेंट बजट का। नेक्स्ट है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मीनिंग क्या है, जितनी भी हमारी इनकम है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो इनकम है वो क्या है, अनइक्वल है, अनइक्वल है। किसी को तो बहुत ज्यादा पर हेड इनकम आ रही है और किसी को बहुत ही कम आ रही है। तो गवर्नमेंट का मेन एम क्या रहता है बजट में कि जो इनकम है उसको इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे कि इक्वलाइजेशन बन सके, अनइक्वलाइजेशन जो है वो कम हो सके, इक्वलाइजेशन जो बैलेंस है वो बन सके। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि जो पुअर पीपल्स हैं उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करवाती है। फाइनेंशियल एड किसके थ्रू करवाती है, थ्रू द फाइनेंशियल एड, थ्रू द सब्सिडीज, सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती है उनको, एक सब्सिडी देती है, सब्सिडी से उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड होती है जिससे कि उनकी इनकम जो है वो इक्वल होने की कंडीशन हो सके, मीन्स उनकी इनकम जो है वो बढ़ सके। और ये इनकम आती कहाँ से है, पुअर पीपल को जो सब्सिडी दी जाती है वो कहाँ से आती है, वो जितनी भी रिच सोसाइटी है, ठीक है, या रिच लोग हैं उन पर लेवी करके हाई टैक्सेस रेट्स लगा के उनसे वो पैसा लिया जाता है और पुअर पीपल्स को दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, और उनके टैक्स के रूप में लिया जाता है और सब्सिडीज के फॉर्म में दिया जाता है जिससे कि इक्वलाइजेशन हो सके और जो पुअर पीपल्स हैं वो भी थोड़ा अपग्रेड हो जाए, अपलिफ्ट हो जाए, उनकी भी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो ये भी मेन एम इसका रहता है गवर्नमेंट बजट का, ये भी रहता है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन जो इनकम है उसका इक्वलाइजेशन करना, इक्वल हो जाए, अनइक्वल को थोड़ा बहुत कम किया जा सके। वैसे अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन गवर्नमेंट का क्या मीनिंग है कि इसको इक्वल करने की कोशिश की जाए थ्रू द गवर्नमेंट बजट जिससे कि इक्वलाइजेशन थोड़ा सा बन सकता है। नेक्स्ट है इसमें बैलेंस रीजनल ग्रोथ, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, जो बैकवर्ड रीजन है उनको अपलिफ्ट करना, जितने भी पिछड़े हुए एरिया हैं, ठीक है, उनको भी आगे लाना, तो उनके लिए स्पेशल जो है बजट देना या उनको स्पेशल जो है पैसा देना,
तो ये भी क्या है इसका गवर्नमेंट बजट का, जिससे कि वो थोड़ा जो आपके पिछड़े हुए ज्यादा बैकवर्ड एरिया है उनको आगे लाया जाए और उनको इक्वल किया जाए वहाँ पे, या तो इंडस्ट्री स्टैब्लिश करके या उनको स्पेशल एड्स फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करवा के, जिससे कि उनकी जो है ग्रोथ जो है वो बढ़ सके। और वहाँ पे या इस तरीके से इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जाए जिससे कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट होगा तो वो भी उनकी भी जो लाइफ है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो अच्छा हो जाएगा। तो ये भी जो मेन एम रहता है गवर्नमेंट बजट पे ही ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये हमने पांच ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस किए हैं कि पहला जीडीपी ग्रोथ है, उसके बाद है आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, पब्लिक प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। अब नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करना, जॉब जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो, जिससे कि जॉब ज्यादा क्रिएट होंगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में बूस्ट अप आएगा, मीन्स लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन की कंडीशन आएगी, प्रोडक्शन होगा तो जीडीपी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे इंटरनेटेड हैं। तो इस वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है बेरोजगारी हटाना या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना ये ही क्या है मेन मिल जाता है गवर्नमेंट बजट का, कि इसको भी आगे ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है, जिससे बढ़ाया जाए, जिससे कि रोजगार के नए नए अवसर जो है आए और अपॉर्चुनिटीज जो है मिले लोगों को, जिससे कि वो अपनी जो लिविंग है, लिविंग लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अपना अच्छे से कर सके। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है कि टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा चैप्टर ही किया था डायरेक्शन डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, ठीक है, या उसको हमने किस तरीके से कंट्रोल करना है वो भी गवर्नमेंट ही करती है। तो वो पहले से पास किसको होता है गवर्नमेंट बजट में ही, ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे, ना ही जहाँ तो ज़्यादा बढ़ता ही है और ना ही ज़्यादा महंगाई हो, इस एडी और पीएस जो है वो इक्वल बने रहे, जितनी एडी है उतनी ही पीएस भी बना रहे, ना बहुत ज़्यादा एडी में फर्क है और ना ज़्यादा पीएस में फर्क है, जिससे कि ना तो महंगाई बढ़े और ना ही मतदा। तो ये दोनों को दोनों कंडीशन जो है वो क्या है, ये वाली है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो इक्वल होनी चाहिए, इसमें ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमी आ गई, डिमांड बिल्कुल कम हो गई, डिमांड कम हो जाती है तो हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था कि बहुत ज़्यादा मुद्दा आ जाता है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है, मीन्स जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो उन्हें निकाल देती है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाल देती हैं, जब उनको निकल जाए तो उनकी इनकम जो है वो कम हो जाती है, इनकम कम हो जाती है तो डिमांड भी कम हो जाती है। तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो मेन है वो क्या है ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का है कि ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे, जिससे कि इक्वलाइजेशन और सारी कंडीशन जो है इक्वल हो सकती है। तो ये हमने डिस्कस किया गवर्नमेंट बजट का कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, पहले हमने डिस्कस किया गवर्नमेंट बजट क्या है, गवर्नमेंट बजट क्या है एक एस्टिमेट है, किस चीज़ का एस्टिमेट है कि कितना गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कमिंग फाइनेंशियल ईयर में और कितना पैसा जाएगा, एक एस्टिमेट है या एक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, तो ये क्या है गवर्नमेंट बजट। दूसरा, गवर्नमेंट बजट पेश कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है पार्लियामेंट में, ठीक है, वो सारा का सारा बताते हैं कि प्रीवियस ईयर में हमने कितने अचीवमेंट्स किए, सारा का सारा लास्ट ईयर का और सारा का सारा नेक्स्ट ईयर का क्या क्या हम करने वाले हैं, ये सारा गवर्नमेंट बजट में आता है। अब फिर थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स, थे ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किए हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाना ये मेन ऑब्जेक्टिव है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जीडीपी बढ़ेगी। उसके बाद है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट किया जाए जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो और सोशल वेलफेयर भी, वो दोनों चीज़ें इसमें आ जाए। फिर अब प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स का प्रोविजन होना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे कि कलेक्टिव नीड को फुलफिल किया जा सकता है, जितने भी लोग हैं कलेक्टिव जो है जिस चीज़ की नीड है वो सब लोगों को मिलनी चाहिए, जैसे पार्क हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, ये सारी चीज़ें सारे को सब को यूज़ होना चाहिए, तो वो क्या आता है हमारा प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स में।
फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रिडिस्ट्रीब्यूशन इनकम जितने भी हमारा अनइक्वलाइजेशन है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू द सब्सिडीज एंड टैक्स लेवी, टैक्स हाई टैक्सेस बैलेंस। उसके बाद बैलेंस रीजनल ग्रोथ, रीजनल जितने भी रीजन हैं बैकवर्ड रीजन है उनको इक्वल करने का भी काम किसका है, गवर्नमेंट बजट में इसको भी लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव है इसका मेन कि जो बैकवर्ड ज़्यादा है उनको इक्वलाइजेशन किया जाए। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करना गवर्नमेंट का एम है। ये किसके थ्रू करते हैं, गवर्नमेंट बजट के थ्रू। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी ही बढ़ेगी। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं बढ़ेगी, बढ़ने की बजाय और भी कम हो सकती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स इक्वलाइजेशन बनाया जाता है। इक्वलाइजेशन इस चीज़ का एडी और एएस, एडी और एएस जो है वो इक्वल रहेंगे, ना ज़्यादा महंगाई होगी ना ज़्यादा मुद्दा होगा। मीन्स इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करना ही क्या बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ना तो इन्फ्लेशनरी गैप होगा और ना ही डिफ्लेशनरी गैप होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द बजट। बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर, अब बजट रिसिप्ट में क्या आ रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ये दोनों आ जाएंगे रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, कि कैसे स्ट्रक्चर होता है, कि किन किन सोर्सेस से पैसा आएगा और किन किन सोर्सेस से जाएगा। इसके दो पार्ट है मेनली, बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट क्या है कि कितना पैसा आएगा, अब आएगा तो पहले उसी को डिस्कस करते हैं कि जो बजट रिसिप्ट में पैसा आएगा उसमें भी एक होगा रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होगा कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट को अगर हम डिफाइन करते हैं तो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है कि इससे ना तो कोई असेट्स में फर्क पड़ेगा और ना ही कोई लायबिलिटी में पड़ेगा। मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट में ना तो असेट्स कम होंगे ना ही लायबिलिटी क्रिएट होगी, ना इसमें आपका असेट्स कम हो रहा है और ना ही लायबिलिटी इसमें बढ़ रही है। तो ये क्या कहलाता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, और इसमें ना कोई असेट्स में डिक्रीजन हो रहा है और ना ही लायबिलिटी में इंक्रीजमेंट हो रहा है। अब इसके कंपोनेंट्स कुछ है रेवेन्यू रिसिप्ट के, इसके भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो आप फिर इसको डिवाइड फर्दर डिवाइड कर देते हैं। एक है टैक्स रिसिप्ट, एक
एक है टैक्स रिसिप्ट और एक है नॉन टैक्स रिसिप्ट। डिस्कस किया प्रोग्रेसिव टैक्स, जैसे इनकम के साथ साथ टैक्स रेट भी बढ़ेगा।
बढ़ेगा, टैक्स रेट की बात हो रही है, रेट बढ़ेगा तो मीन्स प्रोग्रेसिव और रेट कम होगा टैक्स इनकम बढ़ने के साथ, तो रिग्रेसिव। वैल्यू एडेड मीन्स वैल्यू एडिशन के साथ साथ वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा, और स्पेसिफिक टैक्स मीन्स स्पेशल साइज या वेट या उसकी यूनिट के अकॉर्डिंग अगर लग रहा है तो स्पेसिफिक टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो बर्डन डायरेक्टली बर्डन होता है, जैसे इनकम टैक्स है और सीधा उस पर लगेगा, तो वो क्या कहलाता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। एंड इनडायरेक्ट का है जो पे और कोई करता है या किसी से ज्यादा लेकिन पे उसको गवर्नमेंट को कोई और करेगा, वो क्या कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि हमारा जीएसटी वगैरह। ठीक है, तो ये हम ये टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे हमारे। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू शिफ्ट की। रेवेन्यू शिफ्ट में क्या था, टैक्सेस शिफ्ट एंड नॉन टैक्सेस शिफ्ट। टैक्सेस शिफ्ट में इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, स्टेट ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है और जीएसटी है। ये सारे का सारा क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। इन सोर्सेज से पैसा जो गवर्नमेंट के पास आता है, ये क्या स्ट्रक्चर है बजट का, इन सोर्सेज से पैसा जो गवर्नमेंट के पास आता है। दूसरा इसमें है नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स में क्या क्या है, फीस है, फाइन्स है, फीस है, फाइन्स है, एक्सपीड्स है, फीस क्या है, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, बर्थ फीस हो गया, डेथ रेट, डेथ फीस है, मीन्स डेथ सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसके लिए फीस जा रही है, कोई रजिस्ट्री करवा रहा है उसमें फीस जा रही है, कोई फॉर्म भर रहा है उसकी फीस जा रही है, तो ये सारा का सारा क्या है, फीस है, फीस में आ जाएगा। नॉन टैक्स रिसिप्ट का इसका पार्ट है ये फीस का। इसके बाद है फाइन। फाइन मीन्स अगर हम कोई भी लॉ ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बदले में फाइन जो हमें दे रहे हैं, जैसे बाइक पे जा रहे हैं हेलमेट नहीं पहन रहे उनका फाइन लगता है, ठीक है, या हमने कोई इलीगल लाइट यूज कर रहे हैं उसका फाइन लग रहा है, ठीक है, कोई भी लॉ ब्रेक कर रहे हैं बाइक पे तीन लोग जा रहे हैं तो फाइन लगता है, तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं आपके, फाइन। तो फीस है, फाइन का स्कीम क्या है, कोई भी किसी चीज का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को कंसिस्टर प्रॉपर्टी छोड़ गया, उसका कोई भी लीगल हेयर नहीं है, कोई भी उस पर अपना क्लेम नहीं कर रहा है, तो वो किसकी हो जाएगी, गवर्नमेंट की। तो ये भी गवर्नमेंट का है रेवेन्यू शिफ्ट, ये गवर्नमेंट के आ जाएगा पास, ठीक है, तो ये भी क्या स्कीम। फिर स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का क्या है, अगर गवर्नमेंट का गवर्नमेंट कोई भी इस तरीके से असेसमेंट करती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कि वहां की प्रॉपर्टी के जो रेट जो है वो बढ़ जाते हैं, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं, तो अब पर्टिकुलर एरिया जितने वहां के ऑनर हैं उनकी प्रॉपर्टी बढ़ गई, मान लो पहले उनकी अगर 50 लाख की थी तो अब उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई, 70 लाख हो गई, तो इस हिसाब से वो क्या करेंगे, उस पर स्पेशल असेसमेंट जो है वो लगा दिया जाएगा गवर्नमेंट जो है, इस हिसाब से उसे टैक्स जो है वो नॉन टैक्स जो है फीस ले लेंगे या फाइन हो सकते हैं, या उसके साथ स्पेशल असेसमेंट ले लेंगे, जिससे कि उनकी प्रॉपर्टी रेट बढ़ा है उस हिसाब से उनकी वैल्यू बढ़ गई, उसकी वजह से वो उनसे रिसिप्ट करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, ये भी एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। फिर इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट की कंपनी है, उससे जितना पैसा आ रहा है वो किसमें आ जाता है, वो भी क्या है रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ये भी किसमें आ जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट में। जितनी भी पब्लिक कंपनीज होंगी वो सारा का सारा जितनी उससे इनकम हो रही है वो गवर्नमेंट के पास आएगी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, लाइक 2G हो गया, 3G हो गया, 4G हो गया, इस टाइप से ये जितने भी स्पेक्ट्रम बेचते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम बेचेगी, स्पेक्ट्रम बेचे किसी को राइट देगी कि आप ये यूज कर सकते हैं, तो वो किसमें आ जाएगा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम में आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें ग्रांट और डोनेशन। ग्रांट्स एंड डोनेशन, ग्रांट एंड डोनेशन मीन्स जितना बाहर से पैसा आ रहा है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो वो भी किसमें है, किसी कहीं से ग्रांट मिल रही है, डोनेशन मिल रही है, तो वो भी किसका पार्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट का। तो ये सारे के सारे हमने डिस्कस किया है कि स्ट्रक्चर ऑफ बजट है, कंपोनेंट ऑफ बजट में क्या है, बजट शिफ्ट है, बजट एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू और रिसिप्ट है, तो ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया। इसमें भी हमने एक ही पार्ट डिस्कस किया है, सिर्फ रेवेन्यू
रिसिप्ट, बाकी का जितना पार्ट है कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतने इसको अच्छे से आप रीड करेंगे और इसके नोट्स जो है वो बना लेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।